वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। आज की इस सेशन में हम लोग बेसिकली अंडर हैंड स्टॉपिंग मेथड के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन लेने वाले। समझेंगे हम लोग कि अंडर हैंड स्टॉपिंग मेथड होता क्या है, इसका हम लोग डेवलपमेंट कैसे करते हैं, स्टॉप प्रिपरेशन कैसा होता है, स्टॉप ऑपरेशन कैसा हम लोग करते हैं इसमें, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है, इन सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको ओवर हैंड स्टॉपिंग मेथड के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दे दिया था, उम्मीद करते हैं कि आपने वो वीडियोस देखा होगा। दोस्तों ये जो आपका नॉन कॉल का सब्जेक्ट है ना, वो अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज में स्टडी नहीं करते हो तो आपको एक भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको सीक्वेंस वाइज में स्टडी करो, तभी जाके आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप हो पाएगा। दोस्तों आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग कोई भी सब्जेक्ट के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप सिंपली हमें इंस्टाग्राम में डीएम करके भी पूछ सकते हो। दोस्तों एक और बात, मैं टेलीग्राम ऐप पर डेली क्यूज अरेंज करता हूँ ताकि आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको हेल्पफुल हो। तो आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे भी विजिट कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ऐप का लिंक दिया हुआ है। दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं अंडर हैंड स्टॉपिंग मेथड को, कि अंडर हैंड स्टॉपिंग मेथड होता क्या है। देखिए दोस्तों, जो ड्रिलर होता है, जो बेसिकली आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन करता है, उसके ड्रिलिंग करने के पोजीशन पे ही बेसिकली स्टॉपिंग को तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है ओवर हैंड स्टॉपिंग मेथड, दूसरा होता है अंडर हैंड स्टॉपिंग मेथड, और तीसरा होता है ब्रिज स्टॉपिंग मेथड। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि एक जो ड्रिलर है, जो ड्रिलिंग ऑपरेशन करता है, वो कहाँ पर ड्रिलिंग कर रहा है, किस पोजिशन पर ड्रिलिंग कर रहा है, इसी पर बेसिकली आपका स्टॉपिंग मेथड को क्लासीफाई किया गया। अगर ये जो ड्रिलर है वो आपका ड्रिलिंग अपने रूफ की ओर करेगा, यानी कि अपना हाथ को वो सीधा रख करके छत की ओर ड्रिलिंग करेगा, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं उसको ओवर हैंड स्टॉपिंग मेथड। अगर यही ड्रिलर अगर आपका अपना हाथ को नीचे करके फ्लोर की ओर ड्रिलिंग करेगा, तो उसको हम लोग अंडर हैंड स्टॉपिंग मेथड कहते हैं। अगर यही ड्रिलर अगर अपना फेस के जस्ट सामने में ड्रिलिंग करेगा, तो उस तरह के स्टॉपिंग मेथड को हम लोग ब्रिज स्टॉपिंग मेथड के नाम से जानते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग ने देखा कि अंडर हैंड स्टॉपिंग मेथड में क्या होगा कि जो ड्रिलर होगा वो अपना ड्रिलिंग फ्लोर पे करेगा। फ्लोर में कैसे करेगा, तो हाथ को वो अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिस फ्लोर में वो खड़ा है वहाँ पे वो हाथ को अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में रख करके ड्रिलिंग ऑपरेशन करेगा, तो उसी को हम लोग अंडर हैंड स्टॉपिंग मेथड कहते हैं। यहाँ पे सिंपली लिखा गया है द मेथड ऑफ स्टॉपिंग इन विच होल्स आर ड्रिल बाय द ड्रिलर वर्टिकली बिलो ऑन द फ्लोर बाय कीपिंग हिज हैंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन विच ड्रिलर स्टैंड। यानी कि जिस फ्लोर पे आपका जो ड्रिलर खड़ा है उसी फ्लोर पे वो अपना हाथ को नीचे कर करके जब ड्रिलिंग ऑपरेशन करता है, तो उसको हम लोग अंडर हैंड स्टॉपिंग मेथड कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अंडर हैंड स्टॉपिंग मेथड के क्या क्या एप्लीकेबिलिटी कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन आता है आपका इट इज़ सुटेबल फॉर थिन ओवर बॉडी। दोस्तों ये जो आपका स्टॉपिंग मेथड है वो बेसिकली आपका थिन ओवर बॉडी के लिए ही सुटेबल होता है, यानी कि जहाँ पे भी हम लोग को ओवर बॉडी हमारा थिन होगा, तो वहाँ पे हम लोग इस अंडर हैंड स्टॉपिंग मेथड को यूज करके हमारा जो ओवर एक्सट्रैक्शन है उसको हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंक्लिनेशन ऑफ द ओवर बॉडीज वेरीज बिटवीन 40 डिग्री टू 85 डिग्री। आप लोग दोस्तों इंक्लिनेशन कर लो या फिर स्लोप कर लो, बात तो एक ही है। बेसिकली इसमें कह रहा है कि जो आपका ओवर बॉडी का जो इंक्लिनेशन है वो अगर आप लोग 40 डिग्री से लेकर 85 डिग्री के बीच में है, तो वहाँ पे आप लोग इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ओवर बॉडी शुड बी स्ट्रॉन्ग, यानी कि हमारा ओवर बॉडी कैसा होना चाहिए, तो ओवर बॉडी का नेचर हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका हैंग वॉल एंड फुट वॉल शुड बी स्ट्रॉन्ग, और हमारा जो हैंग वॉल साइड है और जो फुट वॉल साइड है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लास्ट आपका एप्लीकेबिलिटी कंडीशन में आता है लेस कॉस्टली ओवर बॉडी। दोस्तों इस स्टॉपिंग मेथड में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग कम्प्लीटली एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं ओवर को। जब हम लोग कम्प्लीटली एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते ओवर को, तो बेसिकली हमारा जो ओवर है वो
और ब्लॉक के फॉर्म में छूट ही जाता है इस स्टॉपिंग मेथड में। तो जब हमारा और अगर हमारा और छूट रहा है और वो अगर हाई ग्रेड का और है तो जाहिर सी बात है हमारा जो लॉस होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कंपेरिजन टू द लेस कॉस्टली और बड़ी। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो स्टॉपिंग मेथड है वो हम लोग वहाँ पे ही अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमारा लेस कॉस्टली और बड़ी होगा। बात आपने समझ लिया, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी जो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया हूँ कि अप्लीकेबिलिटी कंडीशन क्या क्या है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहाँ से हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे डेवलपमेंट करते हैं और कैसे हमारा जो स्टॉपिंग ऑपरेशन है वो चलता है। दोस्तों आप लोग इस फिगर को गौर करो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो आपको ब्राउन कलर में दिखाया गया है वो बेसिकली आपका क्या है, तो वो आपका और बड़ी है। इसी और बॉडी को हम लोग को कम्प्लीटली एक्सट्रैक्शन करना है। तो सिंपली एक माइनिंग इंजीनियर का क्या अप्रोच होता है कि इस और बॉडी तक हम लोग पहुँचे तो पहुँचे कैसे, ये पहला अप्रोच होता है किसी भी माइनिंग इंजीनियर का कि इस और बॉडी तक हम लोग पहुँचा कैसे जाए। तो इस और बॉडी तक पहुँचने के लिए हम लोग या तो इनक्लाइन रोडवे चला करके इस और बॉडी तक पहुँच सकते हैं या फिर साफ्ट सिंकिंग करके पहुंच सकते हैं या फिर ऑडिट चला करके पहुंच सकते हैं। अब बात आता है कि कहाँ पे हम लोग इंक्लाइन रोडवे चलाएंगे ये कैसे हम लोग को मालूम होगा, कहाँ पे हम लोग ऑडिट चलाएंगे ये कैसे मालूम होगा और कहाँ पे साफ्ट सिंकिंग करेंगे ये कैसे मालूम होगा। दोस्तों इसको आप लोग समझो, तो जब भी हमारा जो ओर बॉडी होता है वो आपका सरफेस से अगर सैलो डेप्थ में है, यानी कि ये सपोज हमारा सरफेस है और ये हमारा और बॉडी है, ये हमारा और बॉडी है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सरफेस से जो और बॉडी का जो डेप्थ है वो कम है यानी कि सैलो है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक इंक्लाइन रोडवे चला करके हम लोग इस और बॉडी तक पहुँच सकते हैं। यानी कि आप लोग ने समझा कि इंक्लाइन रोडवे हम लोग तभी चलाएंगे जब हमारा जो ओर बॉडी का जो डेप्थ है वो सैलो डेप्थ पे है, तो वहाँ पे हम लोग इंक्लाइन रोडवे चला करके उस ओर बॉडी तक पहुँच सकते हैं। लेकिन बात आता है कि अगर यही जो आपका ओर बॉडी का जो सरफेस है जो डेप्थ है वो अधिक होगा तो वहाँ पे हम लोग कैसे ओर बॉडी तक पहुँचते हैं। तो बेसिकली जब दोस्तों आपका ओर बॉडी का जो डेप्थ है वो सरफेस से अधिक होता है तो हम लोग वहाँ पर एक शाफ्ट का निर्माण करते हैं और इसी शाफ्ट के ही हेल्प से हम लोग इस ओर बॉडी तक पहुंचते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हम लोग कहाँ पे इंक्लाइन चलाएंगे कहाँ पे शाफ्ट चलाएंगे, ये आपको क्लियर हो गया हो। दोस्तों मेटल माइंस का में क्या होता है कि बेसिकली आपका सबसे ज़्यादा यूज होता है शाफ्ट सिंकिंग से ही हम लोग क्या करते हैं कि ओर बॉडी तक पहुँचते हैं, आपको इंक्लाइन रोडवे बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या मेटल माइंस में सिंपली हम लोग शाफ्ट से ही जितना भी ऑपरेशन है वो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो वर्टिकल होल्ड आपको दिख रहा है वाइट कलर में वो बेसिकली आपका क्या है, तो एक शाफ्ट है और ये आपका जो ब्राउन पार्ट में दिखाया गया है वो आपका सिंपली और बॉडी है। तो इस और बॉडी तक पहुँचने के लिए आपको सिंपली शाफ्ट सिंकिंग करके ही इस और बॉडी तक पहुँचा जा सकता है। शाफ्ट में बेसिकली क्या होता है, तो शाफ्ट में आपका केज लगा होता है, इसी केज में हम लोग जो मटेरियल है या फिर मेन है, मेन एंड मटेरियल दोनों को हम लोग होस्टिंग और लोवरिंग करने का काम ये शाफ्ट करता है। यानी कि अगर सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें होस्टिंग और लोवरिंग का मतलब क्या है, तो जब दोस्तों हम लोग प्रोडक्शन होता है तो बेसिकली जो प्रोडक्शन है जो हमारा और हमको मिला है उसको हम लोग सरफेस में ले जाने का काम करना है। तो लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि केज में हम लोग जितना भी और हम लोग को ब्लास्टिंग करके मिला है उसको हम लोग उस केज में लोड करेंगे और लोड करके उस वो केज क्या करेगा कि आपका सरफेस में ला करके वो डंप कर देगा, तो उसको हम लोग कहते हैं होस्टिंग। वहीं अगर हम लोग जो मेन पावर है उसको सरफेस से आपका माइंस में एंटर करना है, यानी कि जहाँ पे माइंस में काम हो रहा वहाँ तक पहुँचना है, तो वो क्या करेगा कि सरफेस में ही एक उस केज में चढ़ जाएगा, चढ़ने के बाद वो शाफ्ट से ही वो उस प्लेस में
फेस तक पहुंच जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि शाफ्ट से हम लोग क्या करते हैं, तो बेसिकली हम लोग दो ही काम करते हैं, एक तो हमारा मेन एंड मटेरियल जो है वो बेसिकली हम लोग लोडिंग एंड होस्टिंग करने का काम करता है, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे इस ओर बॉडी तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों इस ओर बॉडी तक पहुँचने के लिए हम लोग क्या किए कि एक शाफ्ट का निर्माण किए, इसी शाफ्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लेवल ड्राइवर चला रहे हैं कुछ कुछ इंटरवल पे, ये कुछ इंटरवल पे हम लोग लेवल ड्राइवर चला करके इस ओर बॉडी तक पहुँच रहे हैं। यहाँ पे कुछ इंटरवल पे हम लोग लेवल ड्राइवर चला करके इस ओर बॉडी तक पहुँच रहे हैं। सपोज़ ये जो लेवल ड्राइवेज है, इन दोनों लेवल ड्राइवेज का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाला भी जो हमारा लेवल ड्राइवेज होगा उसका जो डिस्टेंस होगा वो यही होगा, यानी कि हम लोग इक्वली डिस्टेंस पे हमारा जो लेवल ड्राइवेज है उसको हम लोग चलाते हैं। दोस्तों ये जो हमारा आप लोग देख रहे हो, ये जो मैं बार बार लेवल ड्राइवेज कह रहा हूँ, इसी को हम लोग क्रॉस कट के नाम से जानते हैं, क्रॉस कट के नाम से जानते हैं। तो सिंपली सबसे पहला क्या होता है कि हम लोग एक शाफ्ट का तैयार करते हैं, शाफ्ट से ही हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस कट चला करके इस ओर बॉडी तक पहुंचते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? जब दोस्तों हम लोग ओर बॉडी तक, यहाँ पे हम लोग जब क्रॉस कट चला करके इस ओर बॉडी तक पहुँच रहे हैं, तो बेसिकली एक लेवल वहाँ पर वो ड्राइवेज कर रहा है कुछ इस प्रकार से। सपोज़ यहाँ पे आप इस फिगर को और इस फिगर को गौर करो, यहाँ पे यही वाला सेक्शन को आप गौर करो कि यहाँ पे सबसे पहला तो हम लोग और शाफ्ट से इस और ब्लॉक में पहुँचने के लिए हम लोग एक लेवल ड्राइवेज किए इस प्रकार से, और वहीं आपका एक और लेवल ड्राइवेज हुआ है इस प्रकार से, जिसको कि ऊपर वाला लेवल ड्राइवेज को हम लोग अपर लेवल के नाम से जान रहे हैं और नीचे वाला ड्राइवेज को हम लोग लोअर लेवल के नाम से जान रहे हैं। यहाँ तक आप लोग ने समझ गया? अब ये फिगर को आप लोग नेगलेक्ट करो, अब इस फिगर में आओ, यहाँ पे आपको क्या सिंपली दिख रहा है, तो ये आपको एक सिंपली और दिख रहा है, ये आपका और ब्लॉक है। बेसिकली और ब्लॉक फॉर्म कब हुआ, तो जब आप लोग ये लेवल ड्राइवेज को कंप्लीट चला दिए, ऊपर वाला लेवल ड्राइवेज को और नीचे वाला लेवल ड्राइवेज को जब चला दिए, तो क्या हुआ कि एक और ब्लॉक फॉर्म हुआ। ये जो आप देख रहे हो ये रेक्टेंगुलर शेप में, इसी को हम लोग और ब्लॉक कहते हैं, और ब्लॉक कहते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला क्या हुआ कि क्रॉस कट से हम लोग क्या किए, लेवल ड्राइवेज चलाएं, इसी लेवल ड्राइवेज चलाने के कारण हमारा और ब्लॉक का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ पे एक आपका अपर लेवल हो गया और ये आपका लोअर लेवल हो गया, और इस प्रकार से आपका एक और ब्लॉक तैयार हो गया। अब इसी ये जो ओवर ब्लॉक है दोस्तों, वो तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा इसका चौड़ाई है, या फिर आप कह लो कि ओवर ब्लॉक का जो साइज़ है वो ज़्यादा है। अब इतना ज़्यादा को एक साथ लेने के लिए तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम लोग फिर फर्दर क्या करते हैं, इसी को अगर जब हमारा ओवर ब्लॉक का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसको फर्दर हम लोग दो इक्वल भाग में डिवाइड करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि या तो ऊपर से हम लोग रेज चलाएंगे या फिर विंजेस चलाएंगे। जब दोस्तों इसी में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं उसको आप लोग समझो कि ये हमारा और ब्लॉक हो गया। अब ये और ब्लॉक का जो साइज़ है वो ज़्यादा है, अब ज़्यादा है तो इसको हम लोग एक बार में लेने का जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पाता है, क्योंकि साइज इसका बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे। अब इक्वल भाग में डिवाइड करने के लिए या तो हम लोग रेजेस चलाएंगे या फिर विंजेस चलाएंगे। अब बात आता है कि रेजेस किसको कहते हैं या विंजेस किसको कहते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही टर्मिनोलॉजी के सेक्शन में ही आपको समझा दिया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि या तो हम लोग रेजेस चला करके या फिर विंजेस चला करके इस और ब्लॉक को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर लेंगे, ये आपका एक पार्ट हो गया और ये आपका दूसरा पार्ट हो गया, जिस तरह से आपको इस फिगर में भी दिख रहा होगा कि ये आपका एक पार्ट हो गया और ये आपका दूसरा पार्ट हो गया, और बीच में एक और पास आपको दिख रहा है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ मैं। अब जब हमारा और ब्लॉक फॉर्म हो गया, ये हमारा सपोज और ब्लॉक हो गया, यहाँ से आप देखो, आप
ये आपका अपर लेवल, ये आपका लोअर लेवल। और मैंने आपको पहले ही बताया कि और ब्लॉक जो हमारा था वो बड़ा साइज में था, इसलिए हम लोग क्या किए, छोटा दो इक्वल भाग में उस और ब्लॉक को डिवाइड कर लिए, जिसमें कि ये आपका एक और ब्लॉक है। अब हम लोग इस और ब्लॉक को क्या करेंगे कि एक अपर से या फिर नीचे से एक होल लगा करके इसको हम लोग कंप्लीट एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। जब दोस्तों यहाँ पे इसको हम लोग कंप्लीटली, यहाँ पे आप देखो इस फिगर को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपका कंप्लीट एक्सट्रैक्शन इसका हो गया है। तो जब इसका कंप्लीट एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्यों किए हैं इसको समझो। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग इसको किए हैं क्योंकि जो हमारा अंडर हैंड स्टोपिंग मेथड में क्या होगा कि हम लोग को जो हमारा स्टोपिंग मेथड है वो अपर लेवल से लोअर लेवल की ओर चलेगा। कहाँ से चलेगा, तो अपर लेवल से ही हम लोग लोअर लेवल की ओर प्रोसीड करेंगे। तो जब हम लोग प्रोसीड करेंगे अपर लेवल से लोअर लेवल के बीच में, तो जाहिर सी बात है हमको ऊपर से मटेरियल को जब हम लोग को नीचे में लाना होगा, ये हमारा लोअर लेवल में लाना होगा, तो जाहिर सी बात है एक रास्ता हम लोग को चाहिए। उसी रास्ता के हेल्प से क्या होगा कि ये जो और बड़ी है या फिर और पीसे से जब हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे तो वो इसी रास्ता से ही आपका लोअर लेवल में पहुंचेगा। और यहाँ लोअर लेवल में क्या होता है, तो आपका सिंपली आपका होले सिस्टम लगा होता है। इसी होले सिस्टम के हेल्प से ये आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो पाता है। तो यहाँ तक आपने समझा कि सबसे पहला तो हम लोग और बड़ी तक पहुँचने के लिए एक शाफ्ट तैयार किए, उसी शाफ्ट से हम लोग क्रॉस कट चलाएं। जब क्रॉस कट चला दिए तो बेसिकली हमारा और ब्लॉक फॉर्म हुआ। अब वो और ब्लॉक जाहिर सी बात है हमारा साइज का ज़्यादा बड़ा था, तो उसको हम लोग दो इक्वल भाग में डिवाइड कर दिए। दो इक्वल भाग में डिवाइड करने के लिए हम लोग ने क्या किया, तो रेजेज चलाया या फिर विंजेज चलाया। जब दो इक्वल भाग में जो और ब्लॉक है वो क्रिएट हो गया, जो फॉर्म हो गया, तब हम लोग एक और ब्लॉक को पहला एक्सट्रैक्शन करना शुरू किए। उसमें हम लोग सबसे पहला तो एक और पास क्रिएट किए हैं, यानी कि और पास, ये आपका ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग और पास कहते हैं। इसी और पास करने का मतलब है कि यही रास्ता से आपका जो और है वो नीचे आपका लोअर लेवल में गिरेगा, इसीलिए इसको और पास कहा गया है। इसी और पास के नीचे में हम लोग एक और सूट लगा देते हैं। और सूट जैसे आपका तेल का कुप्पी होता है ना, उसी तरह से हम लोग एक और सूट लगा देते हैं। इसी और सूट के हेल्प से ही आपका नीचे में मटेरियल गिरता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों ये सारा ऑपरेशन को ही हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट में क्या हुआ कि सबसे पहला हम लोग ओर बॉडी तक कैसे पहुँचे, ये सभी जुगाड़ हम लोग ने कर लिया। अब बात आता है कि जब हम लोग ओर बॉडी तक पहुँच गए तो फिर हम लोग अब स्टॉपिंग ऑपरेशन कैसे करेंगे, इसको समझना बेहद ही ज़रूरी है। अब देखिए इसको हमको आपको फिगर से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। सपोज़ ये हमारा और ब्लॉक हो गया और ये आपका अपर लेवल हो गया और ये आपका लोअर लेवल हो गया, ये आपका अपर लेवल, ये आपका लोअर लेवल। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमारा जो ड्रिलर है वो ड्रिलिंग ऑपरेशन करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इस मेथड में हम लोग बेसिकली अपर लेवल से ही आपका लोअर लेवल की ओर काम चलेगा। तो आपका जो ड्रिलर है वो ड्रिलिंग का ऑपरेशन करने के लिए वो यहाँ पे आपका फ्लोर में आकर के अपर लेवल के आ जाएगा। जब ये यहाँ पे आ गया तो जिस यहाँ पे आपका क्या था, तो एक आपका और पास था, और पास आप लोगों ने क्रिएट कर लिया था। इसी और पास के बगल में इधर ये साइड में और इस साइड में ये जो ड्रिलर है वो ड्रिलिंग करने का काम करेगा। जब ड्रिलिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको चार्जिंग करेगा, चार्जिंग करने के बाद उसको ब्लास्टिंग कर देगा। जब दोस्तों ब्लास्टिंग करेगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ये आपका और पास हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे इस तरह से आपको फिगर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब ड्रिलिंग किया तो जो भी आपका मटेरियल टूटा, तो क्या होगा, मटेरियल जब टूटेगा तो बेसिकली इस और पास के हेल्प से ही आपका लोअर लेवल में गिरेगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक बेंच क्रिएट हो रहा है, ये बेंच क्रिएट हो रहा है। अब फिर से वो जब
मटेरियल जब ब्लास्टेड मटेरियल है जब लोअर लेवल में गिर गया तो उसको वो फर्दर आपका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करेगा। जब कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो फिर से आपका जो ड्रिलर है वो आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए अपर लेवल से ही आपका जो और पास, ये आपका फर्स्ट बेंच हो गया, ये आपका फर्स्ट बेंच हो गया, तो ये फर्स्ट बेंच में ही ड्रिलिंग फिर से ये इसी बेंच को फिर से वो ड्रिलिंग करेगा, और साथ ही साथ ये जो इस पार्ट को उसको भी वो ड्रिलिंग करेगा, यहाँ पे करेगा और इस पार्ट को भी करेगा, दोनों को एक साथ करेगा। जब दोस्तों दोनों को ड्रिलिंग कर लिया, अब जब ब्लास्टिंग करेगा तो बेसिकली यहाँ का ये जो पार्ट वाला जो मटेरियल है वो आपका लोअर बेंच में गिरेगा, ये वाला बेंच में गिरेगा। अब इस बेंच से फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि शोवलिंग करके इस और पास में धकेल देना पड़ेगा। धकेल देना कहने का मतलब है कि ये जो ऊपर वाला जो बेंच था, ये आपका ऊपर वाला बेंच था, इससे मटेरियल को हम लोग धकेल के शोवलिंग करके नीचे वाला बेंच में लेते आए। अब इसी बेंच से हम लोग क्या करेंगे कि और पास में शोवलिंग करके उसको गिरा देंगे, और पास से ही हमारा जो भी मटेरियल है वो लोअर लेवल में गिर जाएगा, और वहाँ से हम लोग फर्दर फिर ट्रांसपोर्टेशन कर लेंगे। यहाँ पे आपको इस फिगर को आप गौर करो, तो यहाँ से आप लोग जो मैंने आपको ऑपरेशन बताया उसको आप समझ सकते हो। तो ये आपका अपर लेवल हो गया। यहाँ पे आप लोग दिख रहा है कि हम लोग इस डायरेक्शन में एक होल किए, यहाँ पे खड़ा रह करके जो ड्रिलर है वो ड्रिलिंग किया, और साथ ही साथ ये जो एक्सटेंशन कर रहा है इसमें भी जब होल करेगा तो वो ड्रिलिंग कर रहा है। तो जब ड्रिलिंग करेगा तो बेसिकली आपका एक बेंच क्रिएट हो जाएगा। जब ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग हो जाएगा तो बेंच क्रिएट होता है। तो बेंच जब क्रिएट हो गया तो यहाँ पे सपोज ये हमारा पहला बेंच है, ये दूसरा बेंच है, ये तीसरा बेंच है, या फिर आप कह लो कि ये हमारा और पास है। तो जब इस बेंच में जब ब्लास्टिंग करेगा तो मटेरियल आपका नीचे वाला बेंच में गिरेगा। अब नीचे वाला बेंच से फिर हम लोग को और पास में गिराना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बेंचेस का फॉर्मेशन होता है, और कंप्लीटली हम लोग इसी तरह से और ब्लॉक को एक्सट्रैक्शन आउट करते हैं। यहाँ तक आप लोग ने समझा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो ऑपरेशन है कैसे हम लोग करते हैं इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप के सहूलियत के हिसाब से आप चाहे तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी कुछ कुछ टेक्निकल डेटा दिया गया है, जैसे बर्डन हम लोग कितना रखेंगे, बेंच का हाइट कितना रखेंगे, वो सी चीज़ आप लोग देख लो। मेरा मोटिव यही था कि हम आपको कैसे एक सरल भाषा में आपको समझाएं, यही मेरा मोटिव था। तो यहाँ पे हम लोग ने समझा कि अंडर हैंड स्टॉपिंग मेथड में हम लोग कैसे स्टॉपिंग मेथड को कंप्लीट एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या किए कि एक अपर लेवल और लोअर लेवल क्रिएट किए। अब इसी अपर लेवल और लोअर लेवल को जब क्रिएट किए तो हम लोग को एक और ब्लॉक मिल गया। इस और ब्लॉक में हम लोग एक लंबा होल करके हम लोग कंप्लीटली एक्सट्रैक्शन कर लिए, जिसको कि हम लोग एक और पास के रूप में इस्तेमाल करने लगे। अब इसी और पास के बगल में हम लोग जो ड्रिलर है वो ड्रिलिंग किया। जब ड्रिलिंग किया और ब्लास्टिंग हुआ तो यहाँ का जो मटेरियल जो टूटा वो इस और पास के हेल्प से हम लोग सॉल्विंग करके नीचे लेवल में गिरा दिए, और फिर लोअर लेवल से आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इसी प्रकार से जब सेकेंड राउंड का ब्लास्टिंग होगा तो सिंपली ये जो आपका जो ये जो बेंच आपको दिख रहा है वो जाहिर सी बात है वो उसका जो हाइट है वो बढ़ गया। अब वहाँ पे बढ़ जाने के कारण आपका जो ड्रिलर है वो उस बेंच तक, ये लोअर बेंच तक तो पहुँच नहीं सकता, ऊपर वाला बेंच तक तो पहुँच सकता है लेकिन नीचे वाला बेंच तक नहीं पहुँच सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, जिसको कि हम लोग स्टूल के नाम से जानते हैं। इसी स्टूल में एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, और इस प्लेटफॉर्म में चढ़ने के लिए तो एक सीढ़ी का भी इस्तेमाल होगा। इसी सीढ़ी के हेल्प से इस प्लेटफॉर्म में चढ़ करके ये जो ड्रिलर है वो ड्रिलिंग ऑपरेशन करेगा, तब जाके इस बेंच को भी वो एक्सटेंड कर सकता है, इस बेंच को भी एक्सटेंड कर सकता है, और इस बेंच को एक्सटेंड कर सकता है। तो इसी प्रकार से आपका जो बेंच है वो क्रिएट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो ऑपरेशन है वो समझ में आया होगा। अब अगर आपको समझ में आ रहा तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अब आता है इसको हम लोग समझते हैं एडवांटेज केस क्या क्या हैं।
सबसे पहला जो एडवांटेज आता है वो है आपका द वर्कर स्टैंड ऑन स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड ओर बॉडी। दोस्तों जैसा कि आपने फिगर में भी देखा कि हमारा जो भी वर्कर है जो आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहा है या फिर शॉवलिंग ऑपरेशन कर रहा है वो आपका सिंपली आपका सॉलिड ओर बॉडी में ही खड़ा होकर के जो अपर लेवल है वहाँ खड़ा होकर के वो ड्रिलिंग करने का काम कर रहा है, तो वो एक आपका एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज है ड्रिलिंग इज़ ईजी। दोस्तों जब आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि आपको जो हाथ है वो नीचे करके रखना है तो आप लोग क्या करोगे कि वो सिंपली आप लोग करके रख दोगे 2-3 घंटा तक। लेकिन अगर वहीं मैं आपको कहूँ कि आपको हाथ ऊपर रख करके आसमान की ओर हाथ रख करके खड़ा रखना है तो आप लोग सिंपली 5 मिनट में ही आपका हाथ दर्द देने लगेगा। यहाँ पर सिंपली ऐसा ही कुछ हुआ, जब जो ड्रिलर है जब वो ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहा है वो सिंपली क्या कर रहा है कि फ्लोर में आपका ड्रिलिंग कर रहा, तो ड्रिलिंग जब वो नीचे अपना हाथ को फ्लोर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखेगा तो उसको सहूलियत होगा, उसका हाथ दर्द भी कम होगा। तो जब हाथ दर्द कम हो रहा तो जाहिर सी बात है उसका ड्रिलिंग वो ईजी हो रहा एज़ कंपेरिजन टू द ओवरहैंड स्टॉपिंग मेथड। ओवरहैंड स्टॉपिंग मेथड में आप लोगों ने देखा था कि जो ड्रिलर था वो रूफ में अपना हाथ को सीधा करके ड्रिलिंग कर रहा था तो वहाँ पे उसका हाथ ज़्यादा दर्द करता था, तो वहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन वो इजी नहीं था। लेकिन अंडरहैंड स्टॉपिंग मेथड में आपका ड्रिलिंग वो इजी होता। नेक्स्ट है आपका ड्रेसिंग इज़ ईजी। दोस्तों यहाँ पर ड्रेसिंग करना भी हम लोग को ईजी होता है। आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एक एक बेंच से शॉवलिंग करके आराम से नीचे और पास में आपका मटेरियल को गिरा दिए और उस पास से आपका लोअर लेवल में मटेरियल आ गया। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी ऑफ माइनर इज़ हाई। और जाहिर सी बात है जब आपका ड्रिलिंग अच्छा से हो रहा है, आपका सारा ऑपरेशन अच्छा से हो रहा है, तो आपका एफिशिएंसी भी जो माइनर का एफिशिएंसी होता है काम करने का वो भी इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है आपका नोट मच सपोर्टिंग मटेरियल इज यूज। यहाँ पे सपोर्टिंग मटेरियल का हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये सभी थे आपके एडवांटेजेस। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस को। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज आता है वो है आपका सेंट्रल रेज एक्टिंग एज ओवर पास इज ब्लॉक्ड बाय ब्रोकन ओर। दोस्तों जो भी हम लोग ने आपको फिगर में दिखाया कि ओवर पास को हम लोगों ने बनाया, जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो वो ओवर पास वो आपका ब्लास्टेड मटेरियल से वो ब्लॉक हो जाता है, वो कम्प्लीटली आपका जो मटेरियल है वो लोअर लेवल में गिर नहीं पाता है। क्योंकि हेवी अमाउंट में हम लोग ब्लास्टिंग किए हैं तो ब्लास्टिंग से आपका जो भी मटेरियल टूटा वो आपका ओवर पास में जा कर के ही जमा हो गया, तो ये आपका एक डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि हमको हर एक बेंच में बार बार बेंच में जब हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो उसको शॉवलिंग करने का ज़रूरत पड़ रहा, तो ये भी आपका डिसएडवांटेज हो गया। शॉवलिंग करने का मतलब यही है कि एक बेंच से सपोज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक बेंच हो गया, दूसरा और तीसरा, और यहाँ पे आपका एक और पास है, तो सब जब आप लोग इस बेंच में पहला वाला बेंच में जब ब्लास्टिंग करोगे तो मटेरियल जो टूटेगा वो जाहिर सी बात है इस बेंच में गिरेगा। अब इस बेंच में गिरा मटेरियल, अब इसको मटेरियल को हम लोग को हटाना है और नीचे और पास में हम लोग को लेके जाना है, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉवलिंग करने का काम करेंगे, यानी कि एक बेलचा से बेलचा की हेल्प से इसको हम लोग रोल डाउन करेंगे इस बेंच में, जो भी मटेरियल था उसको हम लोग इस बेंच में अब लेते आए, अब यहाँ से फिर से शॉवलिंग करेंगे और यहाँ पर इस और पास में इसको हम लोग गिराएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि हर एक बेंच में हम लोग को शॉवलिंग करने का ज़रूरत पड़ रहा है। नेक्स्ट आता है वेंटिलेशन इज़ नॉट ईजी। दोस्तों जब अपर लेवल से हमारा जो काम हो रहा है तो वो होगा तो वहाँ पे हम लोग का वेंटिलेशन वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पे ये भी आपका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है आपका ब्लास्टिंग एफिशिएंसी इज़ पुअर, और यहाँ पे आपका जो ब्लास्टिंग है एफिशिएंसी वो भी पुअर होता है। नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ ओर इज़ डिफ़िकल्ट, और यहाँ पे हम लोग ओर को जो हैंडल करने का जो कैपेबिलिटी है वो कम होता है और डिफ़िकल्ट होता है, ये भी आपका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है आपका इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लो इंक्लिनेशन और बॉडी। दोस्तों मैंने आपको पहले ही अप्लीकेबिलिटी कंडीशन में बताया कि इसका जो अप्लीकेशन है वो आपका 40 डिग्री से 85 डिग्री के बीच में अगर होता है तो ही हम लोग इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन
अगर आपका ओवर बॉडी का इंक्लिनेशन 15 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो वहाँ पे ये सूटेबल नहीं है। तो सूटेबल नहीं होने के कारण ये आपका एक डिसएडवांटेज के रूप में आता है। नेक्स्ट है आपका सॉर्टिंग ऑफ ओर इज नॉट पॉसिबल, यानी कि अगर जब हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है उसमें हाई ग्रेड का ओर भी हो सकता है, लो ग्रेड का भी ओर हो सकता है, या फिर आपका इम्प्योरिटीज भी हो सकता है। तो बेसिकली उसको हम लोग चून करके अलग नहीं कर सकते हैं। तो चून करके जो अलग नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग सॉर्टिंग के नाम से जानते हैं, सॉर्टिंग टर्मिनोलॉजी आता है। तो यहाँ पे बेसिकली सॉर्टिंग और का करना वो पॉसिबल नहीं होता है, जो एक आपका एक डिसएडवांटेज के रूप में आता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में विजिट कर सकते हैं, और आपको यदि कोई भी डाउट होता है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर सिंपली हमको इंस्टाग्राम में DM करके पूछ सकते हो। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।